अभी 4-5 महीने से 2023 में अभी एक भी आंटी का ऑफर नहीं आया कोई काम का, जो आंटी जाके कहीं गाना गाए या कोई शो करे, कहीं से कोई इनवाइट भी नहीं कर रहा आंटी को गाने के लिए, जो आंटी अभी तक मतलब अभी जॉबलेस समझो। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सबाना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग मैं ट्रेन से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? राणा घाट, रानू मंडल जी के पास हम जा रहे हैं मिलने। इनको बहुत दिन बाद टाइम मिला है, छुट्टी यार इनका, तो मैं बोली चलिए चलते। अभी मैं हूँ माजरहाट स्टेशन में ट्रेन में। कल आसनसोल जाना है काम के सिलसिले में, आज ही आसनसोल जाना था। आसनसोल जाना है तो चलिए कंटिन्यू करती हूँ मैं। बीच में लोग दिए थे सो अभी हम लोग हैं माजरहाट स्टेशन में। अभी हम सियालदा जाएंगे, सियालदा से फिर राणा घाट का ट्रेन बैठेंगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट है नहीं, माजरहाट बेहाला जो वहाँ हूँ। चलिए बने रहिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैं घर से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, रास्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। बने रहिए मेरे साथ इस सफर में, ठीक है? मिलती हूँ। सो गाइस, हम सियालदा स्टेशन में उतर चुके हैं और ये थोड़ा चना खा रहे हैं। चलिए यहाँ से अब राणा घाट का ट्रेन बैठूँगी तब मैं मिलूँगी। अभी अभी जस्ट उतरी हूँ मैं ट्रेन से, चलिए बन रही है। तो गाइस, हम लोग राणा घाट के लिए ट्रेन में बैठ चुके हैं, लालगोला ट्रेन जगह नाम है लालगोला, ट्रेन का नाम लालगोला ही, जगह का नाम लालगोला, लालगोला ट्रेन का नाम, लालगोला सियालदा टू लालगोला ट्रेन का नाम। तो उसी में बैठे हुए हैं, बस चल रही, चलते हैं, आई होप मिल जाए घर पे। सो गाइस, फाइनली हम राणा घाट उतर चुके हैं और एक घंटा ट्रेन लेट, चलिए दिखाते हैं। देख सकते हैं राणा घाट स्टेशन, चलिए चलते हैं फटाक से, बहुत लेट हो गया, 3:30 बजे। गाइस, हम टोटो में बैठ चुके हैं और जबकि आप जानते हो मैं पहले भी आ चुकी हूँ तो ज़्यादा डिटेल्स मिले, मेरा फर्स्ट वीडियो में है। टोटो में बैठ के उसके घर की तरफ जा रहे हैं, चलिए चलते हैं। तो हम पहुँच गए हैं, टोटो से भी उतर गए, बहुत कड़ा धूप है और उनकी गली में ही है, चलिए चलते। थक गई मैं क्योंकि 3 घंटे लग गए ट्रेन में सिर्फ सियालदा से यहाँ आने का, राणा घाट और माजरहाट से अलग लगा आधा घंटा पौन घंटा। तो चलिए बने रहिए गली में ही, देखते कोई है कि नहीं, उनके घर में हमेशा लोग होते हैं, आज है कि नहीं। ये रही हमारी आंटी, कचन आंटी अपना 3:30 बजे ना बाबू, हाथी बारोटा समय तुम भूले गए आंटी बेहाला थे के मने को रवि रवि सवाना সাবানা সাবানা মোটর মনে ইয়া দাস ভালো না সাবানা যদি হয় তাহলে তো তুমি তো মরিয়ে হচ্ছে না প্রেম বন্ধু। হ্যাঁ, মনে গাছে তো আগে কাপ ডিসেম্বর আগে আগে ছিল। আর আন্টি কেমন চলছে? বেশ তো ভালো, আজ কাজ আছে ব্যস্ত, খাওয়া হলো হয়ে গেছে বাস, তাহলে খাওয়া তো এনেছি আমি। আচ্ছা মৌসুম হো রা লেকিন ওই বেশ তো ভালো হয়েছে আন্টি। आज इनका मूड बहुत अच्छा है। आज आंटी हमने आगे आंटी जब फर्स्ट आई आंटी जब फर्स्ट टाइम हमारे संग ऐसे चले ताले हमारे अनेक बोके चले। आज के आंटी आज हंसते हंसते स्वागत करी, हम लोग आज बहुत प्यार से पहचान ली, बट थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, आज पहचान ली, पहचाना कि नहीं? एक थंबनेल में कौन सा आंटी में डंडा मार रही है घुसने से आंटी डंडा नहीं नहीं थंबनेल ए नहीं यार की दिया मैं थंबनेल दे ना आगे मार मार आंटी ने पहला बार घुसते ही स्वागत हमारा स्वागत किया, स्वागत। ये आंटी का बिल्ली देखिए, हाँ बिल्ली लोग तो रहता ही है इनके पास, बिस्टिक बिस्टिक हाँ हाँ
छोटा छोटा टुकड़ा करके दिया। चलिए अब मैं बोला अब फ्री है तो। हाँ जी फ्री है, पानी भरना है क्या? हाँ पानी भरना। चलिए पानी भर दे रहे। बचपन में हम लोग ये वाला यूज किया करते थे। ठंडा है पानी आंटी, नल तो बहुत पुराना है। क्या छोड़ दे, हम उठा देंगे। कहाँ है तुम्हें? कहाँ रखना है? कहाँ रखना है? इधर। चलिए आंटी ने फ्लिप से हमें काम करवाया है। यही रख दो, धोएंगी शायद। धो रही है तो। चलिए गाइस ये काम वाम कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। और खाना है नहीं? हम नहीं पियेंगे आंटी, हम पियेंगे नहीं पानी नहीं। चलो पर हम पियेंगे तो चलिए अंदर चलते हैं। मौसम अनेक हो गए। फोटो यहाँ रखा है, पहले टंगा था ना बाबू फोटो? फोटो ये टंगा हुआ था, मगर पीछे एक दल आया था ना, दल यानी वो लोग आया था तो उसमें वो था महिला लेडी यानी लड़की और लड़का लोग था, उसमें से कोई लेके वो टंगा हुआ था, वो लेके ना वो उधर है ना क्या बोलते तबेला, तबेला हिंदी में तबेला बोलते हैं, उसके अंदर फेंकते हैं। उसके अंदर जब फेंका तो कितना दिन उधर ही पड़ा था, अभी अभी बाद में देखा सभी टूटा फूटा है, तो उसको निकाल के वही देखा इतना ही रखा है। सब ये कर दिया था वीडियो बनाने के चक्कर में, कितना है ये बनवा से है तो गलत है। और अंडी चमन खबर चमन अगले दिन पाले आपके पास हिंदी थे इनके बच्चे, इतना दिन बाद आए आपने हमें पहचाना तो जी पहचान लिया। मेरा नाम क्या है? रवि। इसका नाम सबाना। हमने का फ्रेंडशिप हुआ था लास्ट टाइम मिले थे जो हमने बोला था। तो और आपको बहुत दिन बाद पाँच महीने बाद आए। पाँच महीने बाद बताइए, बहुत दिन हो चुका है, याद कहाँ से है? एक दिन का याद, काल की खींचे सीटा लोग भूले जाए, चार मास की याद करे मंडे आ गए। मंडे ऐसे थे, मंडे ऐसे छिल। तारपर आपने आपने बोले आमाके केन আছে আসলে কালকে আমি কিছু খেতে পারলাম না, ভিডিও আছে আপনাকে দেখিয়ে দেব আমি। চলো না আপনার জন্য একটা জিনিস রানমান্টিকাল ইয়ে আজ क्या बोलूं, बहुत जल्दबाजी में आया और जो पिछला वादा किया था आंटी के लिए वो फुलफिल करने के लिए अभी मेरे पास जो है वो मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा आगे चल के। लेकिन आंटी के लिए जो खाने पीने आंटी का चॉइस है, क्योंकि आज मुझे बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पे आ पाया हूँ, तो इसके लिए दूर से वो तीन घंटा बाबू को छोड़ आज बहुत वो आया था आंटी के। मैं ड्रिंक देता हूँ जो आंटी को सबसे ज्यादा पसंद है, ये माजा। तो माजा नहीं मिला, फ्रूटी। तो फ्रूटी आपको पसंद है तो आपके लिए फ्रूटी एक बड़ा लाया, तो आप खुश हैं आंटी? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। रख 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 के पीछे रख रख के। आपको अभी आंटी कुछ खाए नहीं आएंगे तो इसलिए सोच के समझ के अभी आंटी के लिए दोपहर का टाइम है, दोपहर का टाइम है बिरयानी और उसके संग चिकन लेग पीस। आंटी को बहुत पसंद है चिकन लेग पीस, अलग से मैं उनके लिए आया हूँ, और एक चावल के अलग से है। तो आंटी ये खाएंगे आप, गरम गरम है और एक खाएंगे, ठीक है? बिरयानी है और चिकन लेग पीस है इसके साथ, दो। शुक्रिया। तो आप अभी खाना पसंद करेंगे, हमारे जाने के बाद खाएंगे? नहीं आपके सामने ठीक होगा। नहीं नहीं, हाँ आप खाइए, आप आराम से निकालिए और खाइए, लेकिन हम लोग नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा पूजा पाठ चल रहा है हम लोग का। हाँ नौमी, आज से नौमी स्टार्ट है हम लोग का। ओ माँ सेरा वाली जो है हम लोग खाते हैं, बाहर में खाएंगे, नहीं घर में भी खा के नहीं खाएंगे, ठीक है? हाँ तो आप खाइए। नहीं आप खाइए आंटी, ठंडा जगह तो आपको बिल्कुल अच्छे खाएंगे, आप खाइए फिर बैठ कर आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं। बात प्लेट ले आइए, हम आपको सर्व, हम आपको सर्व करके देंगे, जाइए। मगर प्लेट तो है नहीं यार, वो तो उसमें बिल्ली खाता है, मेरे लिए कोई प्लेट है बोलो। ये तो बहुत पहले प्लेट है कंपलसरी, और जो बिरयानी जो बनता है तो वहाँ पे मिलता है ना। एक गड़बड़ रानू आंटी के पास प्लेट नहीं है, जो प्लेट है उसमें बिल्ली खा चुकी है रानू आंटी के, तो इसके लिए अब आंटी के लिए हम लोग कोई एक जुगाड़ लगाते हैं
तो आप लोग बने रहिए और आपको जुगाड़ दिखाते हैं क्या जुगाड़ लगाते हैं। तो आंटी मैं जुगाड़ आपको बोलता हूँ खाने के लिए कि जो वो की कर सकते हो आप। हाँ जी, एक काम आप जुगाड़ कीजिए, मैं आपके साथ आंटी देखिए जुगाड़ बना रही है, लाइए ये देखिए, ये आंटी का जुगाड़ धो दो पानी से उसको, ये आंटी के लिए मैं धो के देता हूँ खुद, ये आंटी का धो के देता हूँ मैं, आंटी मैं धो देता हूँ, ये आंटी को धोने के खिला के फिर धो के खिलाऊंगा। गलती के पत्ता तक प्लेट था वहां पे, हमसे घर पे होगा आंटी का। ये रहा आंटी का पानी, एक बार अच्छे से धोता हूँ कि खाना हो सकता है। प्लेट नहीं है बताओ, आंटी को इतना प्यार से समझे आपका बेटा खिला रहा है जी, है ना। ये आंटी को मैं सर्व करता हूँ, जिसमें आंटी को सबसे पहले मैं सलाद देता हूँ, सलाद खाइए, सलाद आपको पसंद है आंटी, सोच समझ के लाया मच्छर। उसके बाद आंटी के लिए मैं लाया हूँ, क्या लाया हूँ, चिकन लेग पीस। हाँ क्या सोचेगा, देखो प्लेट अच्छा से रखो, आधा में लटका है ये चिकन लेग पीस आंटी का और एक अलग नॉर्मल पीस, ठीक आंटी जी, बहुत बड़ा बड़ा पीस लाया आंटी के लिए जो आंटी खा सके, और ये चावल आंटी के ये चिकन लेग पीस है, तो आंटी आप उठा के दिखा सकते हैं चिकन लेग पीस कैसा साइज का है। बहुत बड़ा चिकन लेग पीस है, खुशबू भी अच्छा आ रहा है आंटी खिला रही है। मैं नॉन वेज ना बाद में खाऊंगा, अभी नौ रात्रि आपको बताया मैंने, तो आंटी लिखाई मुंह के साथ पास लेके, ओ आंटी गुड गुड गुड, आंटी खाई राइस जितना खाइएगा, चावल आपको निकाल के देता हूँ आंटी का, मैं प्यार से खिलाऊंगा, आंटी हमें बहुत प्यार करती है। आंटी चावल आपको कितना लेना बताइए, देख के बाबू की देना बस, डीम तो नहीं था उसके पास, उसके पास नहीं देता है, नहीं देता है। आलू है, आलू 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 दे, डीम दिया नहीं लेकिन यहाँ बाबू, ठीक है छोड़, ये रहे बाद में कल हो जाएगा आपका ठीक है, मगर वो आप खा रही ना, नहीं मैं आंटी आपको बोले ना कि अभी तक नवरात्रि चल रहा है ना, आज से ही स्टार्ट हुआ है नवरात्रि, खाएंगे बाद में खाएंगे कोई बात नहीं, ऐसा आप आराम से खाइए, तो फिर ये खाएंगे ना, ये खाएंगे जी, कोई बात नहीं ये खा लेंगे, ये आंटी का है, अब आंटी खाए उसके बाद आंटी से बात होगा, कमा के देखो एक्टिव पड़े आंटी का खेल, बिल्ली आंटी की बिल्ली भी खाना मांग रही है, कमा के देखो एक्टिव पड़े आंटी फर्स्ट खा, आंटी पड़े देवे तो खेल खार पड़े, ओके ठीक है, म्यामा तो मैं पड़े देवो, म्यामा का भी बिल्ली आए तो आ, बिल्ली भी बोलिए म्याओ म्याओ खाने के लिए, भूखी थी दोपहर में खाना कहाँ बनाई आंटी, आज बहुत भूखी भी थी, अच्छा हो कि हम लोग आ चुके हैं आंटी को खाने के लिए, आंटी खाइए और थोड़ा देर के लिए कैमरा में बंद कर देगा इसकी आंटी, बहुत लाइट जला दो ना, आंटी की बातें अगर कुछ और जानना है तो गाइस कमेंट करिएगा, तो हम आंटी के बारे में और कुछ, हाँ हमें पिछले वीडियो में जो आंटी के पास आए थे बहुत लोगों ने हमें ये कहा वो कहा ये कहा वो कहा, हम सबका कमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं कि सबने कुछ भी कमेंट किया, आपने कमेंट किया उसके लिए आपको सबको थैंक्स बोलते हैं, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, आ चुके हैं आंटी के पास, इसके पहले हम लोग एक बार आंटी के पास नॉर्मल मंथ में आए थे आंटी, प्रेज द लॉर्ड, और आप कैसे भगवान के आशीर्वाद से, अच्छी हो थोड़ा क्लोज आओगे तो अच्छा रहेगा, तो बात समझ आवाज बहुत चलो, तो आंटी आप पहचान पाई मुझे, क्या नाम है मेरा, नाम तो आपको होना चाहिए एंथनी, एंथनी माय नेम इज एंथनी गोंजाल्वेस, मैं दुनिया में अकेला हूँ, मेरा एड्रेस है रूप गली खोई नंबर 420, एक्सक्यूज मी प्लीज,
आंटी बहुत खुशी में हंस रही है। नहीं मैं रियल में मेरा नाम एंथनी है और मेरा एड्रेस है रूप गली खुरी नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज। आंटी बहुत खुश रही हमारी बात से क्योंकि आंटी को जो देखते हैं बहुत लोग परेशान करते आके, बट आंटी को दो बार भी मिले हैं तो आंटी पर्सनली हमें बताइए बाबू तुम लोग आते तो हमें दिल से सुकून मिलती है। तुम लोग आंटी की राय जानते हैं कि आंटी इतने दिन बाद मिलके हमें कैसे। आंटी बताइए इतने दिन बाद मिलने के बाद दिन पहले हम लोग मिले तो आपको अब हम मिल रहे हैं तो अब आपको कैसा लग रहा है? हाँ सुन लीजिए आंटी हम आपके कौन है? अपने। हम अपनी क्या अपने हैं? अपने तो अपने होते हैं। ये देखिए आंटी क्या, आंटी किसी को अपने नहीं बोलते लेकिन हमें अपने बोलते हैं क्योंकि अपने बोलते हैं आंटी प्यार करती हैं हमें बच्चों की तरह। तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। वाह गुड 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 गुड। देखिए ये गाने की दो लाइन गाई है, इसको गाना ना समझिए, आंटी खुद ब खुद हमें बहुत प्यार करती हैं सच में। बात तो सही है। आंटी ने हमें एक सॉन्ग डेडिकेट किया वो सिर्फ ऐसे नहीं दिल से किया है। आंटी दिल से किया ना? ठीक है। हाँ, तो आंटी के संग आके सच में आप लोग गाइस जो जो आते हैं वो तो जानते हैं बट आंटी के पास आके आप एक खुशी मिलेगी। जो लोग इनको लेके जो गलत विचार है लोगों का गलत सोचते हैं इनके बारे में वो गलत चीज़ है। आंटी अभी हमने बाहर में बहुत मस्ती किए थे आंटी के साथ, आंटी पानी भर रही थी, आंटी को मैंने पानी भर के दिया नल से, बट मैं उनका नल बहुत जोर से चला रहा था तो आंटी बोले छोड़ दो टूट जाएगा मैं कहाँ से पानी पीऊंगी, तो फिर मैंने उसे आस्ते चलाया तब आंटी समझी। तो वही बात है ओवरऑल आंटी के पास आके आप कहीं वेकेशन मनाने जाएंगे कहीं आप घूमने जाएंगे खाने पीने का कुछ भी आप कुछ मत की स्टेशन आ जाइए और रानू आंटी का नाम बोल दीजिए आपको घर पहुंचा देगा कोई भी। और आंटी इतना फेमस है और यहाँ के आंटी और बाकी एंटरटेनमेंट का जिम्मेदारी आंटी का है। आंटी आपको कभी बोर फील होने नहीं देंगे, मजा पे मजा मिलेगा। आंटी के चार पाँच बिल्लियाँ हैं जो आंटी को सोचती है खाना नहीं देंगे ना अगर बिल्ली को आंटी तो आंटी को नमक लगा खा जाएंगे बिल्ली ऐसी खा जाएंगे। अब आंटी से एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ कि बहुत लोगों की अच्छाई भलाई की बातें हो चुकी है, अब आंटी का जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके बारे में डिस्कस करता मैं सोच ही रहा था। सो आंटी आप एक सेलिब्रिटी हो ठीक है, हर हाल में भले आप बॉलीवुड में नहीं दिख रही हो यूट्यूबर की नज़र में आपको हमेशा वायरल करके रखते हैं सब। तो आंटी यूट्यूबर लोग तो हमेशा आना जाना लगा रहता है, अभी आपका बॉलीवुड में क्या पोजीशन है? अभी शोज आपको मिल रहे हैं या कोई ऑफर आया है अभी कुछ काम वाम का सिलसिला, आपका काम कैसे चल रहा है बताइए। अभी तो हम एक परिवार की तरह बातें कर रहे हैं आपके साथ मिला तो यहाँ पे तो अलग कोई नहीं है। अच्छा तो इसके हिसाब से एक परिवार की तरह बातें कर रहे हैं। अच्छा तो जो अब आए नहीं तभी तो कोई ना कोई आते हैं। अच्छा। मगर उनका वायरल बनाने क्योंकि उनको उससे मदद मिलती है। हाँ, जो मेरे लिए आते हैं तो उनको मदद मिलती है, तो वो तो ऐसा नहीं आते हैं। वो लोग ऐसा जो भी आते हैं वो अपने फायदे के लिए आते हैं, वो मेरे लिए नहीं आते। हाँ तो मेरे लिए अगर कुछ लाया जैसे कि बिरयानी तो हर रोज अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन अगर खाने का लायक हो तो जरूर खाते हैं, लेकिन खाने का लायक ना हो तो फेंकना पड़ता है तो बिल्ली खाता है। वैसे होता है ना, दिखा आपने ना किस तरह से खाती हूँ मैं। तो क्या हुआ अभी तो सोचिए कि घर पे पीने का पानी, अभी तो अपने नल उधर पानी मैंने पिया तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुआ, कुछ बदबू नहीं आया मैंने पिया, लेकिन क्या उधर से पानी ला के पीना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वो गले के अंदर जाता नहीं है। अगर जबरदस्ती पिया तो वो जब तक मैं दूसरा चाय नहीं बना के पीती हूँ उस पानी से तब तक मेरे लिए कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है, उल्टी ऐसा आ जाता है। वो पानी का बहुत इश्यू है आंटी को। हाँ आंटी जैसे कि मैं जो आपको बोल रहा था मेरा क्वेश्चन और कुछ और था बट आपने आंसर जो बोला ठीक है वो एक्सेप्ट करता हूँ। मैं बोलने का मतलब आपका काम जी, जो आप गाना गाती हो उसका वर्ल्ड फेमस या कहीं से इंडिया के कहीं बाहर से या इंडिया से कहीं से ऑफर आ रहा है कि चलिए आप शो करना है, आपको कुछ ऐसा ऑफर आ रहा है अभी 2023 में कोई नया कुछ आप कुछ काम कर रही हैं किसी शो में जाके? आपका क्या कहना है, आप चाहते हैं कि मैं शो करूं शो में जाऊं? हाँ हम लोग तो चाहेंगे आपको देखना चाहेंगे। अच्छा ऐसा ही सोचेंगे तो फिर दुआई करना और मुझे ले जाना कि अच्छा। कहीं पे शो है तो या फिर शो करवाना चाहते हैं मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले तो अपना मालिक का ही तो मतलब उनके द्वारे से मैंने सेलिब्रिटी हुई और उनके द्वारे से मैं घर पे हूँ। तो सवाल ये इस बात का है कि हम तो और किसी पे भरोसा नहीं करता, मेरे मालिक पे भरोसा करती हूँ,
मेरे मालिक, अगर मुझे खाना मिला तो भी और नहीं मिला तो भी, क्योंकि मुझे मालूम है जब मेरे मेरा नसीब का जो है वो कोई नहीं ले सकेगा, तो ये बात, क्योंकि हर इंसान के ऊपर दया तो वही करते हैं ना। सही बात है। तो मतलब कोई ऑफर नहीं है। जो क्वेश्चन किया था आने ने तो घुमा फिरा के जवाब दिया, कहने का मतलब ये है कि 4-5 महीने से 2023 में अभी एक भी आंटी का पास ऑफर नहीं आया कोई काम का, जो आंटी जाके कहीं गाना गाए या कोई शो करे, कहीं से कोई इनवाइट भी नहीं कर रहा आंटी को गाने के लिए, जो आंटी अभी तक मतलब अभी जॉबलेस समझो, अभी आंटी को कुछ कुछ काम नहीं है आंटी के पास, बस आंटी भगवान पे लीव करके घर पे बैठी रहती है, और जो होता है यूट्यूबर्स लोग जो थोड़ा बहुत आंटी को हेल्प करते हैं खिला पिला देते हैं वही है, वरना आंटी का भी कमाई का जरिया या अर्निंग सोर्स कहीं से नहीं है आंटी का, है ना, सही ना, आंटी का अर्निंग सोर्स कहीं नहीं है। तो वही बात है कि जो आप लोगों को जानना था या मुझे भी जो जानना था तो मैंने खुले मन से पूछ लिया आंटी से, ऐसा सब बात है। और एक तो गाइस अभी हम लोग सब थोड़ा सा रानू जी के साथ रील्स बना करके अभी अभी बैठे हैं, तो चलिए ये जिससे फेमस है वर्ल्ड फेमस है तो अब इनका गाना इतना अच्छा है तेरी मेरी पहले सुनेंगे, उसके बाद और इनका जो मन होएगा वो सुनेंगे, चलिए इनका ले रही हूँ। तुमसे ही था दिल की लगी, तुमसे ही है ये जिंदगी, तुमसे ही है मेरा जहां, तुमसे ही थी दीवानगी, तेरी एक गाना और वो वाला एक आंटी को गाना कोई तुमसा नहीं, गाना तो अच्छा लगता है इसके लिए गाना ठीक है, एक और दो गाना भी गा के दिखाई, चलिए सुनते हैं आंटी गाना, एक गाना गाइए आंटी फिर से। धूप निकलती है जहाँ से धूप निकलती है जहाँ से धूप निकलती है जहाँ से चांदनी आंटी ने दो हिंदी सॉन्ग और एक बंगला सॉन्ग गा के हमारा दिल खुश किया, और आंटी के साथ मैंने भी, मुझे डांस कुछ आता नहीं है, आंटी के साथ मैंने भी शॉर्ट रील्स डाली हैं जो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, शॉर्ट्स पे तो आप देखिएगा, और प्लीज गाइस बुरा मत बोलिएगा मुझे बिल्कुल डांस नहीं आता, आंटी का आंटी ने मुझे फोर्स किया कि चलो तुम भी गाओ, मैं मेरे संग एक बार डांस करो, मुझे डांस आते नहीं है, इस तरह से मैं डांस कर रहा था कि कोई कितना भी गंदा डांसर हो मुझसे ज्यादा गंदा नहीं हो सकता, वैसा मैं डांसर हूँ, तो वो शॉर्ट्स आप देखना चाहेंगे, आंटी भी हंसी देखिए अभी भी मेरा उस बात से, बट आंटी ने अच्छा कॉर्पोरेट किया, आंटी कंफर्टेबल मेरे संग जा थी डांस में कि देख रहा है कि अच्छा है ना आंटी, बेटे के संग आंटी ने डांस किया है कि आंटी, मेरा आंटी और इन दोनों ने भी बहुत अच्छा सामान, और आंटी ने भी बहुत एक अच्छा अच्छा इन्होंने शॉर्ट्स बनाया है वीडियो,
तो गाइस आप लोग जरूर देखें, आप लोग को होपफुली बहुत अच्छा लगेगा। और आंटी के साथ आज हम लोग ने ज़्यादा कुछ गहराई में डिस्कस नहीं किया, बस आंटी का हाल चाल पूछ के, उनके काम के बारे में जान के और उनके बारे में कुछ और थोड़ा पर्सनली जो बात की है वो ऑफ कैमरा हम लोग कर चुके हैं। अब आंटी के लिए कुछ और थोड़ा डिमांड करने जा रहे हैं पूरा। सो गाइस हो सके तो आपको कैमरा दिखाएंगे, वरना आपको सारे डिटेल्स यूट्यूब के जरिए आपको दिख जाएगा क्या क्या दिखाना चाहते हैं आपको। ओके गाइस, तो हमारे साथ बने रहें और आंटी सबको हाय कर दीजिए अच्छे से और सबको अच्छे से रहने बोल दीजिए। सबको कह दीजिए सबके घर में अपने अपने घर में सुरक्षित रहिए, अपने अपने घर में अच्छे से रहिए और सबके घर में जो शेरा वाली माँ का अभी नौ दुर्गा चला है सबको उसके लिए हैप्पी हैप्पी नवरात्र बोल लीजिए। हैप्पी नवरात्र आप सब, नवरात्र नवरात्रि हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी, जय माता दी। और बस आज अब हम लोग यहीं पे आपसे मिलने आए, बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग को निकलना पड़ेगा क्योंकि मैं बेबी को छोड़ के आई हूँ और तीन घंटे चार घंटे का सफर है अभी घर जाना है। और अच्छा लगा रील्स बना के और आपका गाना सुन के, तो मुझे बहुत, मैं तो घर से ही बोल के आई थी इनको कि मैं गाने सुनूंगी तो सुनने देना, बातें ज्यादा नहीं गाना ज्यादा। तो अच्छा लगा, गाने सुनी, बहुत मजा आया। बस आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसे ही फिर से मिलने आऊंगी, सही सलामत रही तो नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो चलिए आज अब इनके लिए जो ये बोले ये खाएंगे क्या, तो लेके आते हैं। शाम भी हो रही है गाइस, हम लोग तो ऑलरेडी लेट से ही पहुंचे, तो चलिए निकलते हैं थोड़ी देर में, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं इनके घर से, तो हाँ वो हंस रही है अभी भी आंटी भी। आज इनका मूड वाकई में गाइस बहुत ही अच्छा था। टाटा, आ रही हूँ अभी। तो चलिए इनके लिए कुछ मिलता है, चिकन का वो ग्रेवी वाला कुछ खाना चाहती हैं, तो चलिए देखते हैं मिलेगा तो लेके आते हैं, फिर देखे फिर चले जाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है गाइस। और एक ही बात उनसे क्या पूछना, उनके जो भी मुसीबत है, जो भी दुख है, तकलीफ है, तो आज हमने बहुत सारा फ़न किया उनके साथ, मज़ा आया। तो चलिए चीज़ दे के फिर जाएँगे हम। देखिए उनको बिरयानी में कड़ी वाला चिकन खाना था तो हम लेने आ गए। पास में रेस्टोरेंट बंद था जो खुल चुका है, यहाँ हम लोग अंडा भी डलवा दिए, तो अभी दे के फिर घर के लिए निकलेंगे। अच्छा मिल गया वो बिरयानी से और खा लेंगे, तो चलिए बने रहिए। पहुँच चुके हैं हम लोग, थक गई मैं। डीम दिए नीचे, डीम चिकन दो के जौले ने दीचे। हाँ ये आंटी को पहले बिरयानी अच्छा नहीं लगा, तो आंटी को फिर से हम चिकन ग्रेवी वाला पानी, हाँ, ग्रेवी नल का पी रही थी इसलिए हमको पानी का बोतल भी दे दिया। हाँ अब हमारा बिरछी तीन घंटा लगे, ठीक है। भलो थको आंटी, हाँ आशीर्वाद करो हमारे, ठीक है। थैंक यू आंटी। आ रही है हमारा शॉर्ट बनाब, ठीक है। गरम आचे खे नहीं बे रात बेला, ठीक है। आशी गुड नाइट, हाँ अभी से गुड नाइट। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं, तो चलिए तो आज का वीडियो मैं नाना जी के घर के पास ही एंड करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। अपने अपने घर में सब सुरक्षित रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और कमेंट तो करते ही हो भर भर के, और कर देना भर भर के, ठीक है। तो चलिए टाटा बाय बाय, पीछे बाय बाय। तो चलिए देखिए शाम हो गई है, अब हमें ट्रेन पकड़ना है, तो आज का वीडियो एंड कर देते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।